नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता संग्राम में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय हम राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के चुनावी विश्लेषण को आपके सामने लोआया चुनाव के जरिए लेकर आए थे। अब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, इसलिए अब हम देश और प्रदेश की राजनीति की दुनिया की खबरों का विश्लेषण आपके सामने सत्ता संग्राम के माध्यम से रखेंगे। तो चलिए सत्ता संग्राम की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की पहली खबर पर राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के विश्लेषण के साथ। अनिल जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। अनिल जी, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 184 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें राजस्थान की कुल 25 सीटों में से 16 सीटों के लिए पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इन 16 प्रत्याशियों में से 14 पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताते हुए टिकट रिपीट किए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस ने टुकड़ों टुकड़ों में 5 सूचियां पहले जारी कर दी, पर राजस्थान के बारे में कोई जिक्र नहीं था किसी सूची में। बीजेपी ने अपनी पहली सूची 182 अनाउंस किया, पर बाद में 184 उसमें नाम थे जारी की, उसमें राजस्थान की 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। 14 वो लोग हैं जो पहले से सांसद हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें एक पर मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया है, झुंझुनू से संतोष अहलावत का टिकट कटा है। 1 सीट अजमेर, वहाँ सांसद डॉक्टर सावरलाल जाट का निधन हो गया था, उपचुनाव में कांग्रेस के रघु शर्मा जीते थे, इसलिए वो भाजपा के पास नहीं थी और रघु शर्मा अब राज्य में मंत्री हैं कांग्रेस की सरकार में, इसलिए वहाँ इस वक्त कोई सांसद नहीं है, तो वहाँ टिकट कटने का या टिकट रिपीट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अजमेर से शुरू करें, अजमेर की सीट पे हालांकि लोकसभा उपचुनाव में भाजपा लगभग 1,00,000 वोटों से हार गई थी, रघु शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे करीब 1.25 साल पहले, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कहीं अच्छा कर दिखाया। हालांकि दुदू में, केकड़ी में, मसूदा में कांग्रेस जीती, लेकिन पुष्कर अजमेर शहर की दोनों सीटें भाजपा ने जीती। दूदू की सीट पे निर्दलीय बाबूलाल नागर पूर्व मंत्री, पर अपनी कांग्रेस को अपनी मां कहने वाले, वो जीते। और किशनगढ़ से सुरेश टाक निर्दलीय जीते जो भाजपा के बागी थे। तो इस तरह भाजपा ने अपनी स्थिति काफ़ी पहले से ठीक की अजमेर संसदीय क्षेत्र में, और इसलिए भागीरथ चौधरी जो पहले विधायक थे भाजपा के टिकट पर किशनगढ़ से 2 बार, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया था और किशनगढ़ की सीट भाजपा गंवा भी बैठी, तो इस बार उन्हें कंपनसेट भी किया गया और भागीरथ चौधरी को, जिनका नाम पहले भी एक बार डिस्कस हुआ था उपचुनाव के समय भी, उन्हें इस वक्त लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। भाजपा के पास 2-3 विकल्प थे वहाँ, एक बीएल सारस्वत का था, धर्मेश जैन बहुत पुराने वहाँ के भाजपा के व्यक्ति हैं उनका विकल्प था, पुखराज पाड़िया पूर्व जिला प्रमुख का विकल्प था, लेकिन जातीय समीकरण और सावरलाल जाट की जीत और नसीराबाद में उनके बेटे की इस बार हुई जीत को लेकर भाजपा आशान्वित थी कि जो 2-2.5 लाख जाट वोट हैं उन्होंने भाजपा के फैसले को प्रभावित किया और भागीरथ चौधरी को टिकट मिला। मैं इस पर पहली टिप्पणी ये करना चाहता हूँ कि भागीरथ चौधरी को अपनी पार्टी में संघर्ष करना पड़ेगा, गैर जाट कार्यकर्ताओं से भी, और अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी संघर्ष करना पड़ेगा किशनगढ़ में, जहाँ से 2 बार वो विधायक रहे। मंडी शायद ही उनका साथ दे, किशनगढ़ की मंडी सुरेश टांक के कहने पर, या सुरेश टांक ना भी कहें तो भी भागीरथ चौधरी के साथ जाएगी, इसमें मुझे संशय है। तो ये 2 बड़ी चुनौतियां भागीरथ चौधरी के सामने है, अपनी पार्टी के गैर जाट कार्यकर्ताओं को चुनाव अभियान में जोड़ना और किशनगढ़ शहर के, विशेषकर मार्बल मंडी के, और किशनगढ़ की बड़ी मंडी है, जीरा मंडी है, दालों की मंडी है, किशनगढ़ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, पावरलूम का बड़ा औद्योगिक केंद्र है, तो
तो वहां के बाजार को जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में सुरेश टांग निर्दलीय को जिताया है, जाट विरोधी सेंटीमेंट के चलते जी। उस मंडी को अपने साथ लेना भी भागीरथ चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। अनिल जी, मैं आपकी बात को बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा अपना अनुभव थोड़ा दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ। जब हमने विधानसभा चुनाव की बात की थी तो बहुत सारी बातें ऐसी थी, जब जब जो जो आपने कहा वो कुछ समय बाद हमें होता हुआ दिखाई दिया। चाहे आपने एक बार कहा था जब राहुल गांधी आए थे, उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले मिलवाया था मंच पे, और हमें मुझे याद है हमने एक घंटे पहले एक कार्यक्रम किया था जिसमें आपने बात करी थी कि राहुल गांधी को इन दोनों सिरों को मिलाना ही होगा अगर उन्हें राजस्थान विधानसभा में जीत चाहिए तो। मैंने ये कहा था कि जब भी राहुल गांधी जयपुर आएंगे या राजस्थान में आएंगे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नदी के दो किनारे बने रहने नहीं देंगे, उन्हें एक धार में तब्दील करेंगे। अगर उनको जीतना है, कांग्रेस को सरकार बनानी है, तो नदी के इन दो किनारों को एक धार बनना पड़ेगा। और एक घंटे बाद ही राहुल गांधी ने दोनों को रामलीला मैदान जयपुर में गले मिलवाया था मंच पर। जी, ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने पिछले चुनाव में देखे थे। अब हम इस लिस्ट की बात कर रहे हैं तो 14 नाम तो रिपीट हैं, लेकिन दो नाम नए हैं। और सबसे बड़ी बात है संतोष अहलावत का टिकट कटा है, जो अकेली महिला सांसद थी भाजपा से। यहाँ पर 16 में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। अभी दिया कुमारी को टिकट देने की बात चल रही है राजसमंद से, उस पर हम फिर आएंगे। संतोष अहलावत काफी सक्रिय सांसद थी, मैं तो उनको सक्रियता की वजह से जानता था जी। पर वो झुंझुनू में तो भाजपा कई ग्रुप्स में बटी हुई थी, और नरेंद्र खीचड़ जो विधायक हैं अभी जी। वो उनके विरोधी गुट से आते हैं, तो वहां पर चूंकि 6 सीटें उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हारी थी भाजपा संसदीय क्षेत्र में, और सीआर चौधरी केंद्रीय मंत्री जिनका टिकट रुका है अभी, कटा नहीं कह सकते हम, उनके खेमे में भी बड़ी गहमा गहमी है इस समय। पूरी उम्मीद थी उन लोगों को भी पहली लिस्ट में। मैं बस आता हूँ, तो वहां भी नागौर की संसदीय सीट पर जो 6 विधानसभा सीटें हारी है 8 में से बीजेपी, तो ये 8 में से 6 सीट, 8 में 6 सीट हारने का परिणाम है। एक का टिकट कटा है, दूसरे का रुका है जी। जिनका रुका है उनको भी शायद ही मिले ऐसा मुझे लगता है जी। उसके कई कारण हैं। वहाँ सबसे बड़ा कारण अहम ये है कि सीआर चौधरी के केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भाजपा इतनी बुरी तरह हारी है, उनके भांजे अजय किलक जो राज्य सरकार में मंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे, वो बुरी तरह चुनाव हारे विधानसभा का। उनकी भांजी अजय किलक की बहन बिंदु चौधरी जिला प्रमुख रही नागौर की, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चली गई, तो एक तरह से वो पार्टी वहाँ इस वक्त छिन्न भिन्न स्थिति में है, पराजय की बोझ से ग्रस्त है। और शायद हनुमान बेनीवाल क्या कदम उठाएंगे इस पर भी निगाह भाजपा की है, या कांग्रेस किसे पेश करती है इस पर भी निगाह है। और मेरा अनुमान है कि मिर्धाओं के दो परिवार हैं, नाथुराम मिर्धा का एक परिवार है, रामनिवास मिर्धा का दूसरा परिवार, दो स्टॉलवर्ट परिवार वहां पर हैं, तो एक स्टॉलवर्ट परिवार में किसी को टिकट मिल जाए तो शायद दूसरे स्टॉलवर्ट परिवार को कैच करने की कोशिश करे भाजपा, तो हो सकता है दो मिर्धाओं में वहाँ संघर्ष हो, ये भी संभव है। या हनुमान बेनीवाल से बात करके या हनुमान बेनीवाल के रुख को देखकर फिर फैसला हो। सीआर चौधरी को टिकट मिलना अब मुश्किल नजर आ रहा है, आता तो पहली बार में हो जाता। हालांकि वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत विश्वस्त हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं, और अगर वसुंधरा राजे की बात सुनी गई तो वो शायद सीआर चौधरी को टिकट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, दिलवाकर दम लेंगे जी। हम नरेंद्र खीचड़ की हम बात करें जिन्हें टिकट मिला है अभी संतोष अहलावत की जगह, अभी मंडावा से विधायक है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कितने मजबूत आपको दावेदार वो दिखते हैं? रीता चौधरी को हरा के आए हैं, वो वहाँ पे मजबूत हैं, पार्टी में उनकी पकड़ है, संगठन में पकड़ है। अब वहाँ वो दो खेमे तो हो ही गए जी। अब ये संतोष अहलावत का टिकट नहीं मिलने के बाद ये तो कतई नहीं है कि वो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगी या किसी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, मुझे नहीं लगता जी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके स्वभाव को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो रिटेलिएट करेंगी। हो सकता है उनसे कह दिया जाए कि नरेंद्र खीचड़ जीत जाए तो उनकी जगह विधानसभा चुनाव उनको लड़ा दिया जाए, ये पार्टी उनको कह सकती है संतोष अहलावत को, और इससे कोई बगावत हो जाएगी पार्टी में ऐसा मुझे नहीं लगता। संतोष अहलावत को कैसे संतुष्ट करना है या क्या कहना है ये पार्टी आलाकमान ने सोच रखा होगा, और अब तक उनको कन्वे कर भी दिया होगा जी। अनिल जी, हम चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें जो पिछले समय भी राजस्थान में हुए, भाजपा ने उसमें भी बाजी मारी थी, अपनी जो लिस्ट है
पहले लाने में। हालांकि देश में तो कांग्रेस पहले अपनी कुछ सूचियां जारी कर चुकी हैं, लेकिन प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर भाजपा ने बाजी मारी है, पहले लिस्ट जारी करी है, 16 नाम भी कर दिए। कांग्रेस कब तक अपने नामों की घोषणा कर सकती है और कौन से संभावित नाम आपको उसमें दिखाई देते हैं? देखिए, पिछली बार 25 से 25 सीट जीती थी बीजेपी ने, तो उसके बाद तो 23 प्रत्याशी थे ही जी जिनको वो दोबारा पेश कर सकती थी। 23 नहीं 22 कह लें। एक हरीश चौधरी, हरीश मीणा बीजेपी के सांसद थे, कांग्रेस में चले गए और एमएलए बन गए। एक श्यामलाल जाट जी का निधन हो गया। हाँ, वो मैं तो दो तो एक चांदनाथ का निधन हो गया, तीन कम हो गए और चौथे कर्नल सोनाराम हार गए, तो चार कम करके 21 तो उनके पास थे ही ऐसे जो उनको रिपीट कर सकते थे। वो उन्होंने 14 को रिपीट कर दिया उनमें से, और कर्नल सोनाराम के अलावा कोई कैंडिडेट उनको नजर नहीं आ रहा है। वो मानवेंद्र सिंह के सामने शायद विधानसभा चुनाव हारे हुए कर्नल सोनाराम को ही वापस से मैदान में उतारने की कोशिश करें जी। और वहां पर जाट वर्सेज अदर्स या राजपूत वर्सेज अदर्स इस तरह का संघर्ष टर्न करने की, रूप देने की कोशिश की जाए, ऐसा मुझे लगता है जी। जैसलमेर बाड़मेर सीट पर, अजमेर सीट पर उन्होंने चुन लिया व्यक्ति, एक काट ही दिया जी। अब जो है उसमें भी अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी चेंज कर सकती है, सांसद वर्तमान सांसद को रोक सकती है। तो 9 अभी सीटें रुकी हुई हैं, उनमें कुछ बदलाव देखने को। अलवर में तो चांदनाथ का निधन हो गया, तो वहां तो कोई नया चेहरा सामने, और वहां पर बालकनाथ के चांसेस ज्यादा है जो चांदनाथ की गद्दी पर बैठे हैं जी। राजनीतिक गद्दी पर भी वही बैठना चाहते हैं जी, धार्मिक गद्दी पर तो वो बैठे ही हैं, पर वो हरियाणा में है उनकी धार्मिक गद्दी जी, वहां से आकर चुनाव लड़ेंगे। चांदनाथ का अनुभव अच्छा नहीं है वहां की जनता का, अलवर की जनता का जी। वो बीमारी की वजह से भी नहीं आए, लेकिन उसके पहले भी अलवर नहीं आए जी। सांसद कोष की निधि भी शायद पूरी खर्च नहीं हुई और इलाके की कोई सार संभाल उन्होंने की, आखिरी एक साल तो वो बीमार रहे, कैंसर से ग्रस्त रहे। इसलिए अब बालकनाथ जब आते हैं, मेरे को संकेत मिले हैं कि बालकनाथ के लिए बाबा रामदेव ने कहा है, चांदनाथ को भी बार बार रामदेव ने टिकट दिलाया था, तो हो सकता है बालकनाथ को मिल जाए। वैसे मंत्री रहे जसवंत यादव की पत्नी किरण यादव, जो जिला प्रमुख रह चुकी हैं अलवर की, उनका नाम भी है और रामेश यादव का नाम भी है, पर दोनों एक दूसरे में 36 का आंकड़ा है, तो दोनों एक दूसरे की पतंग काट सकते हैं। और फिर एक बार बाहरी और हरियाणा की गद्दी पर बैठे चांदनाथ के उत्तराधिकारी बालकनाथ को टिकट मिल सकता है। तो ये एक अलवर का पेज था जो हमें देखने को, विटनेस करने को मिला। बाकी सीटों पर भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी देखना चाहती है, जो कई जगह जाति समीकरण है जी। कि किसी सीट पर कोहली आ गया तो दूसरा भैरवा आएगा, ठीक है ना। दौसा में चूंकि हरीश मीणा चले गए छोड़कर बीजेपी, तो दौसा में वो कांग्रेस के प्रत्याशी को देखेंगे, उसके बाद अपना प्रत्याशी चुनेंगे। हो सकता है डॉक्टर किरणलाल मीणा जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो खुद बाहें चढ़ाकर मैदान में आ जाएं, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच से चुनाव लड़के जाना चाहता हूँ। जब राज्यसभा में भेजा जा रहा था तब भी वो यही कह रहे थे बार बार, लेकिन वो बड़ी मुश्किल राज्यसभा जाने को राजी हुए। और वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े तो उनकी पत्नी लड़ा, पत्नी हार गई, भतीजे ने लड़ा, भतीजा हार गया, तो वो उनके मन में अब एक कसक भी है और कशिश भी है। मुझे लगता है कि दौसा से हो सकता है राज्यसभा की सदस्यता का मोह छोड़ के दौसा से वो खुद बीजेपी के टिकट पर कूद जाएं। हालांकि बीजेपी ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय विधायक महुआ से बात कर रही है उनकी पत्नी को लड़ाने की, और ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस में भी बात कर रहे हैं जी खुद लड़ने की, तो दोनों हाथ में लड्डू हैं इधर भी। तो हो सकता है बीजेपी इससे ऊपर उठ करके हुड्डा को छोड़ दे, और हो सकता है किरणलाल मीणा खुद या उनके भाई जगमोहन मीणा में से कोई मैदान में उतर जाए। भाजपा ने जो अपनी पहली सूची जारी की है जिसमें राजस्थान के 16 नाम हैं, अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, हमने बात करी इन 16 नामों में, कौन से नाम आपको इसमें लगता है जो आपको बड़ा कंफर्ट जोन में दिखाई देते हैं, और कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लगता है आपको थोड़ा सा खतरा है? वैसे तो कांग्रेस की सूची सामने आने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कौन थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है। और ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो शायद कुछ ज़्यादा लोगों के टिकट कटते। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे पहले तो बीजेपी कंफर्ट जोन में आ गई है जी। बीजेपी को लग रहा है कि जनता के मन में देश प्रेम की जो लहरें उमड़ रही हैं वो बीजेपी के लिए वोट में कन्वर्ट हो जाएंगी जी। अब ये
कितना धरातल पर उतरेगी बात अभी नहीं कह सकते, पर भाजपा में ये एक सोच चल पड़ी है, इसी के चलते ये टिकट रिपीट किए गए हैं। इनमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कठोर परिश्रम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है। वो पूरे पांच साल ही वो चुनाव प्रचार ही कर रहे थे, समझ लो लगातार वो इलाके में आना हर शनिवार इतवार को। बिल्कुल, इतना इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास थी राज्य मंत्री के रूप में, बिल्कुल, और बाद में इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में सूचना प्रसारण मंत्री थे देश के। जी, पर शनिवार इतवार तो उनका 99% अपने इलाके में गुजरता था, गांव गांव में, गली गली में, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेना, हर चीज त्योहार पे अपने लोगों के बीच में आना, उनसे कोई बात नहीं कह सकता कि आप अब वोट मांगने आ गए। पूरे पांच साल ही अपने क्षेत्र में रहे और उन्होंने काम किया वहां पर, ये उनकी खास बात रही जी। और उनको पहले एक बार राजसमंद भेजने का प्रस्ताव किया गया था कि राजसमंद को राजपूत सीट बना जा रहा है जी। और ये चूंकि एक स्टार हैं, ओलंपिक के पदक विजेता हैं, केंद्र के मंत्री हैं, ये वहां जीत सकते थे ये मान के। पर इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं एक फौजी हूँ, कर्नल हूँ रिटायर्ड, फौजी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता, जय पराजय, शहादत, विजय, सबसे ऊपर उठकर फौजी संघर्ष करना जानता है, युद्ध करना जानता है और अपनी जमीन को छोड़ना नहीं जानता। उन्होंने पाँच साल वहाँ मेहनत की और उस मेहनत के बूते पर ही वो वहाँ से वोट मांगने निकल पड़े हैं। और अभी उनके सामने कांग्रेस किसे खड़ा करे, कांग्रेस के सामने भी एक शोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। प्रत्याशी नहीं मिल रहा कांग्रेस को, और बीच में लालचंद कटारिया जो मंत्री हैं उनको उतारने की बात थी, वो पहले यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं जी। पर राज्य सरकार में मंत्री या विधायक को अभी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला एक बार हुआ है कांग्रेस में, तो ऐसा लगता है कि बड़ा ढूंढना पड़ेगा उनके खिलाफ कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। लेकिन इनका चुनाव प्रचार तो साल भर से चल रहा है, कई साल, दो तीन साल से चल रहा है, और बराबर जनता के बीच घुले मिले व्यक्ति के रूप में जो अपना सा लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं वो इस वक्त। दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम मुझे लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर में काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है अपनी ही पार्टी में। अच्छा, और वहां कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आता है, गोविंद चौहान या कौन आते हैं दूसरे जी, पर वहां पर निश्चित तौर पर वो परेशानी में है। गजन सिंह शेखावत जी वैसे तो अच्छे प्रत्याशी हैं, मृदुभाषी हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सामने वैभव गहलोत के आने से जी, उन्हें भी बीच में राजसमंद भेजने की बात हुई थी, पर फिर यही माना गया कि राजपूत सीट के नाम पर राजसमंद भेज देंगे तो ये मैसेज जाएगा कि वैभव गहलोत के चुनाव मैदान में उतरने से वो भाग खड़े हुए जी, ठीक है ना, मैदान छोड़ दिया जी, इसलिए उनको वहीं डटा के रखा गया है। वहां पर मुझे अब लगता है कि पाली में कांग्रेस बद्री जाट को देने जा रही है, तो वैभव गहलोत का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है मेरे को जी। इसलिए भारी नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत जोधपुर की नाक है, जोधपुर की शान है, और जोधपुर को तीन बार मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य उन्हें मिला है, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद भी रहे, तो जोधपुर जब वोट करेगा तो मुझे लगता है ये सेंटीमेंट भी वर्क करेगा कि अशोक गहलोत वोट मांग रहा है जी। वैभव गहलोत को बजाय लोग ये समझेंगे अशोक गहलोत वोट मांग रहा है, अशोक गहलोत के लिए सेंटीमेंटल है जोधपुर के लोग, उनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा को ध्यान में रखकर वहाँ वोटिंग होगी, इसलिए गजन सिंह शेखावत के सामने भी कड़ी चुनौती पेश आ सकती है जी। रामचरण बोहरा जो जयपुर शहर से कैंडिडेट है, इनको भी पहले काफ़ी बात थी, शायद इनको भी बदला जाएगा, इन्हें वापस टिकट दिया है, इनकी स्थिति आपको कैसी लगती है? देखिए, एक तो ये हार्मलेस क्रीचर है जी, इनसे राजनीति में किसी को डर नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है जी, किसी खेमे में नहीं है, सारे लोगों के साथ हैं, और जो गिरधारलाल भार्गव की क्वालिटी थी जी, शादी ब्याह में जाना, मौत मरकत में जाना, तीय की बैठक में जाना, वो सब इन्होंने खूब निभाई पाँच साल जी। राजधानी में बहुत ज़्यादा ताकतवर, प्रोमिजिंग और एक्सपोज्ड आदमी नहीं चाहिए जी, क्योंकि यहाँ सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, सारी राजनीति यहाँ केंद्रित होती है, तो यहाँ पर जरा भी आदमी एक्टिवेट होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो तुरंत किसी न किसी की आँख का किरकिरी बन जाएगा जी। इसलिए पाँच साल एक किसी की आंख की किरकिरी नहीं बने, ठीक है, महत्वाकांक्षा होती है, गोपाल शर्मा की महत्वाकांक्षा थी, दिया कुमारी ने कोशिश की जी, और भी सुनील कोठारी बीजेपी में हैं, जैन समाज से आते हैं जी, वो भी संघ की तरफ से आते हैं, लेकिन रामचरण बोहरा को उनके सरल स्वभाव और मिलनसारिता के कारण और अनकंट्रोवर्शियल होने के कारण मैं समझता हूँ
टिकट मिला है, जयपुर को ब्राह्मण सीट मानती है बीजेपी, कांग्रेस भी मोरलेस, चूंकि हालांकि यहाँ से सतीश चंद्र अग्रवाल भी दो बार जीते हैं जी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को मोरलेस ब्राह्मण सीट मांगती है। अब लेकिन कांग्रेस वैकल्पिक जातीय समीकरण पर जाएगी ऐसा मुझे लगता है, ज्योति खंडेलवाल भी एक ऑप्शन हो सकती है और भी दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है, तो वैश्यवर की तरफ भी कांग्रेस जा सकती है, संजय बापना भी एक ऑप्शन हो सकते हैं जी, जो एआईसीसी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जैन समाज या खंडेलवाल समाज या अग्रवाल समाज किसी समाज की तरफ देख सकती है कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस भी किसी ब्राह्मण को ही लड़ाए जी, पर एक ऑप्शन है कांग्रेस के सामने इस वक्त जी, कि वो वैकल्पिक समाज ढूंढ सकती है जी, और उसको अपने साथ जोड़ने का, वैश्य समाज को जोड़ने का उपक्रम कर सकती है जी। आपने भाजपा के जो मौजूदा कई मंत्री हैं उन पर अपनी बात रखी दी, चाहे वो अर्जुना मेघवाल हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, हम पीपी चौधरी की और बात करें, उनकी पोजीशन कैसी लगती है आपको? देखिए वो सीधवी हैं और सीधवियों के धर्मगुरु भी अब बीजेपी के साथ हैं जी, परंतु सीधवियों की एक दूसरी गद्दी है, वो बीजेपी के साथ नहीं, वो कांग्रेस के साथ है जी। अभी पिछली बार तो सीधवी वोट एकजुट हो गया था पूरा और 4 लाख वोट से जीते थे पीपी चौधरी, हालांकि क्षेत्र में सक्रिय रहे, इनका भी शनिवार इतवार वहीं गुजरता था, गांव गांव जाते थे, इनके जो आता था पूरा इनका मैसेज हर शुक्रवार को हर पत्रकार के पास जी, कि शनिवार को किस किस गांव में रहेंगे, इतवार को किस किस गांव में रहेंगे, इलाके का खूब दौरा किया, सब कुछ किया जी, लेकिन काम क्या किया ये वो ही बता पाएंगे, हमारी नज़र में नहीं है, जिस किसी ने हम उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे फिर जानेंगे कि पाली के लिए उन्होंने क्या किया, बद्री जाखड़ उनके सामने आएंगे, पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उम्मीद है कि बद्री जाखड़ को टिकट मिलेगा और बद्री जाखड़ टिकट आने मिलने का से लगता है कि कड़ा मुकाबला भी होगा, क्योंकि जोधपुर की पूरी संसदीय क्षेत्र की पुरानी 2 सीटें भी पाली में जुड़ गई हैं, तो जाट वोटों का भी की भी बहुलता हो गई है अब यहाँ पर, और इसके अलावा भी कांग्रेस हो सकता है बद्री जाखड़ को लड़ाने में एकजुट हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में बहुत डिवीजन है वहाँ पर, केवल चंद गुलेच्छा एक तरफ हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया, राजपूत हैं पाली से वो अलग हैं, जैन समाज अलग है, बिखराव है बहुत ज़्यादा कांग्रेस में, शायद बद्री जाखड़ के आने पर सब एक हो जाएं, हालांकि एकाध व्यक्ति कांग्रेस के नेता आजकल में ये कहते पाए गए कि मेरा टिकट बद्री जाखड़ ने कटवाया है, मैं बद्री जाखड़ के भीतरघात करूँगा, तो अशोक गहलोत जी को ये देखना पड़ेगा, पार्टी प्रमुख को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो पार्टी के अंदर बहुत गुट हैं, बहुत गुटबाजी है, भीमराज भाटी जिस तरह चुनाव लड़ लड़ के कांग्रेस को हरा देते हैं, इस वजह से ये चुनौती होगी कांग्रेस की, वहाँ चुनाव एकजुट होकर लड़ पाएगी तो ही चुनौती पेश कर पाएगी, बिखरी हुई कांग्रेस पीपी चौधरी के लिए चुनौती नहीं बन सकती, हालांकि बद्री जाखड़ को टिकट मिलने का सीधा फायदा जोधपुर में वैभव गहलोत को होगा जी। अनिल जी, राजनीति है, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म रहता ही है, जब तक लिस्ट नहीं आई थी उससे पहले बहुत सारे अंदर खाने चर्चाएं थी कि वसुंधरा राजे जी को भी लोकसभा से लड़ाया जा सकता है, उन्हें केंद्र में भेजा जा सकता है, मुझे लगता है वो सारे कयास भी अब खत्म हो गए, उनके बेटे दुष्यंत सिंह को एक बार फिर झालावाड़ से टिकट दे दिया है, ये चर्चा हुई थी, मैं जान तक जान पाया हूँ, पार्टी के सूत्रों ने बताया, आलाकमान ऐसा चाहती थी कि केंद्र में सरकार बने और केंद्रीय मंत्री बने, विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं भारत सरकार में, वो लघु उद्योग की राज्य मंत्री रह चुकी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भी देख चुकी हैं वो, और वो बहुत पढ़ी लिखी अंग्रेजी दां, काफ़ी एक्सपोजर है उनका जी, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति छोड़कर नहीं जाना चाहती जी, जी। और वो उनको ऐसा कोई मोह नहीं सता रहा था कि वो केंद्र में मंत्री बने और फिर उनको इसलिए ही उनकी पूछ हो या पहचान हो कि वो केंद्र में मंत्री हैं, वो राजस्थान की राजनीति में बने रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव अगर कोई आया भी था तो उन्होंने मना कर दिया, अब पुत्र को ही चुनाव लड़ाएंगी और वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, इसके बाद ही उनके पुत्र को टिकट मिला है जी। वो राज्य की राजनीति में हाशिए पर जाने को तैयार नहीं है, राज्य की राजनीति की मुख्य धारा का केंद्र बिंदु बनकर ही रहना चाहती है जी। अनिल जी, अभी समय हमारे पास बहुत कम है, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तो हमने सत्ता संग्राम का आगाज किया है, शुरुआत की है, अब हम आगे आगे और क्या दर्शकों के सामने लाने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी चुनाव में बहुत दिन बाकी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी सामने आने बाकी हैं, समाजों के सोशल इंजीनियरिंग भी अब होगी, कौन सा समाज छूट गया, जैसे जैन समाज बीजेपी से छूटने वाला है, वैश्य समाज को 2 टिकट दिए पर दोनों महेश्वरी को दिए हैं,
तो राजसमंद की सीट ऐसी है जो कि मिक्स्ड सीट है, जिसको हालांकि राजपूत माना गया क्योंकि गोपाल सिंह इटवा कांग्रेस जीते, हरिओम सिंह बीजेपी जीते, लेकिन वो मिक्स्ड सीट है। मेड़ता भी उसमें है, डेगाना भी है, ब्यावर भी है, और राजसमंद के भी चार सीटें हैं, जैतारण भी है पाली का, तो वहाँ पर प्रयोग कर सकती है बीजेपी अगर चाहे तो जी। अब वो साहस दिखाती नहीं दिखाती है प्रयोग करने का, ये बात देखने की होगी। तो सामाजिक संरचना टिकटों के बंटवारे में क्या सामने आती है, और चूंकि राजस्थान जातिवाद के हिसाब से भी वोट करता है जी, और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी वोट करेगा, और अशोक गहलोत जो भाषण दे रहे हैं बार बार, और कृषि ऋण माफी हुई है इस पर भी राजस्थान वोट करेगा जी। तो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत का नेतृत्व, इस पर भी वोट करेगा राजस्थान, और मोदी के जो जिस पराक्रम की बात करते हैं बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर भी और बातचीत में भी भाषणों में भी, उस पर भी राजस्थान वोट कर सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान में तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने मोर्चा लेना शुरू कर दिया बीजेपी से, जिस तरह के उनके भाषण सामने आए हैं, जिस तरह वो सीमा पर गए हैं जाकर नौजवान सेना के जवानों की पीठ थपथपाई, उनके साथ खाना खाया, नाश्ता किया जी। और जिस तरह वो बांग्लादेश की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं जी। बीजेपी पर हमला भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये हमला जो केंद्र के नेता बोल रहे हैं उससे डिफरेंट लाइन पर लाइन पे है। तो मुख्यमंत्री मोर्चा लेंगे और हो सकता है कि बीजेपी के सामने एक सर्जिकल स्ट्राइक के कारण जो एक सुनहरे भविष्य की कल्पना आई है, या जो एक इंद्रधनुष उन्हें दिख रहा है आकाश में, हो सकता है अशोक गहलोत अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, और सचिन पायलट उनके साथ लग करके इसमें अच्छा खासा भेद पैदा कर सके जी। चलिए अनिल जी, फिलहाल इतना ही। सत्ता संग्राम में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपके लिए लेकर आएंगे रणनीति की नई खबरें और अनिल जी का उनके साथ विश्लेषण। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।